यस, सैंपल पेपर में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस जो है वो करने हैं आउट ऑफ 24। ठीक है, तो टोटल ऐड करो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 प्लस 18, और जिसमें लिखा ना अटेम्प्ट एनी फाइव, अटेम्प्ट एनी फाइव का मतलब दो केस स्टडीज हैं और सिंगल केस स्टडी में आपको फाइव फाइव करने हैं, तो 5 प्लस 5 कितने हुए 10, एंड मैथ पे कितने क्वेश्चंस हैं 2। ठीक है, तो ये 20 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 2 कितने हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए इसके अकॉर्डिंग, जो आपने करने हैं 50, जो आपने करने हैं वो हो गए 50, और पेपर कितने नंबर का है 40, ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, यस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन जोसेफ मैजनी। आंसर बी, साथ में पेज नंबर जो है मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, पेज नंबर 22, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक्स होगा ये, मतलब वो क्वेश्चन वहां से लिया गया है, उस पेज से लिया गया है। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द जॉलबेरिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको पता है कि कस्टम यूनियन था, इसका इनिशिएटिव किसने लिया, प्रशिया ने। ठीक है, पेज नंबर 10, ऑप्शन है सी 10। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन द थ्री वॉर्स। ठीक है, मैंने आपको एक करवाया था एडीएफ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, तो इसमें से राइट ऑप्शन है आपका डी, सॉरी बी, बी एडीएफ। थ्री वॉर्स कितने इयर्स में, 7 इयर्स। हु फॉट, किसको क्रेडिट दिया जाता है वॉर का, विस्मार्क, क्योंकि हमने यूनिफिकेशन है ये जर्मनी की, एंड विस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन नेशन। उसने थ्री वॉर्स लड़ी थी, कंट्रीज कौन कौन सी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, और कितने ईयर्स लगे उसको, 7 इयर्स। देन आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट इन अर्ली 19। हाँ, ये आपने बार बार टर्म पढ़ी है, रोमांटिसिज्म तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, सोशलिज्म एंड रैशनलिज्म तो आपने वर्ड पढ़ा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली लिबरलिज्म, पेज नंबर 9। देन चूज द, सॉरी ये आपका है ज्योग्राफी का, आइडेंटिफाई, सॉरी 11 था बच्चे आपका ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मेजोरिटेरियनिज्म, बहुत इजी है, श्रीलंका, पेज नंबर 6। देन आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। पावर शेयरिंग बेसिकली क्या करती है, सोशियो इकोनॉमिक जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिमूव करती है, एथनिक कल्चरल जो है डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, अलाउ पीपल टू एंजॉय स्पेसिफिक राइट या रिस्ट्रिक्ट सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी, तो इसका राइट आंसर है ए, ए है इसका राइट आंसर, रिड्यूसेस द सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, पेज नंबर 6। कई बार क्या होता है पूरी की पूरी स्टेटमेंट को वो ऐसे क्वेश्चन में आपको डाल सकते हैं, और एग्जैक्ट आपने उस बुक की स्टेटमेंट को ही फॉलो करना, इनमें से अगर आप कोई भी स्टेटमेंट को अपनी जर्नलाइज उसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर करेक्ट कर भी देते हो, उन्होंने बुक को ही फॉलो करना। कई बच्चे मुझे नेट के ना क्वेश्चंस भेजते हैं कि मैम बुक में ऐसा है लेकिन नेट में ऐसा, तो उन्होंने नेट के अकॉर्डिंग चेक नहीं करना, उन्होंने बुक के अकॉर्डिंग चेक करना। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम हैज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, पेज नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर कौन सी है इसमें से, यूएसए, अच्छा यूएसए के साथ और कौन सी कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी तरफ होल्डिंग टुगेदर में एसबीआई याद रखो, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, ऐसे ग्रुप याद रखो। ठीक है, व्हाई इज द पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, सेम लेवल, तो इसमें जहां पे भी सेम लेवल है, ठीक है, बी इट शोज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू द प्लेस एट द सेम लेवल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। In India's federal system, center and the state government have the power to legislate on all those subjects which are included in the concurrent. Means आप ये सोचो कि ये जो list का chapter है, page number 17,
लिस्ट में आप पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी लिस्ट के अकॉर्डिंग लॉ बना सकती है. सेंटर यूनियन, ठीक है, स्टेट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट में बोथ सेंटर एंड स्टेट एंड रेजिड्यूरी में ओनली सेंटर. एक बार आपको लिस्ट याद हो गई फिर सब्जेक्ट्स याद करो कि सेंटर के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के कौन से, कंकरेंट के कौन से हैं और रेजिड्यूरी के कौन से हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंजॉय स्पेशल पावर. अब ये सपोज अगर ये आपकी बुक में नहीं है, ये क्वेश्चन आपको किस तरह से लिया गया है बच्चे, ये आप पहले पेज नंबर नोट करो, पेज नंबर 17. पेज नंबर 17 आप सब बच्चों को याद होगा, आर्टिकल 370 तो अबॉलिश हो गया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दी गई थी. लेकिन ये जो आर्टिकल है 371, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग नागालैंड लैंग्वेज के बेस पे नहीं बना, नागालैंड को ट्राइबल सोसाइटी के बेस के ऊपर बनाया गया था, ट्राइबल कल्चर. यानी कि नागालैंड की जो है, जो डिमांड थी नागालैंड को एक स्टेट बनाने की डिमांड, वो लैंग्वेज के बेस पे नहीं हुई. बेसिकली हमारी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स बनी है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी है, पर नागालैंड एक ऐसी स्टेट है जिसको स्पेशल प्रोविजंस दी गई है ट्राइबल कल्चर, यानी कि उनकी कंट्री में जो ट्राइबल कल्चर है उसको खत्म नहीं करेंगे. जो ट्राइबल्स ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं, दे विल बी गिवन परमिशन टू लिव इन द ट्राइबल एरियाज. तो ये एक तरह की स्पेशल प्रोविजन है. अदरवाइज क्या होता है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं दे कैन अरेस्ट ट्राइबल्स, क्योंकि ट्राइबल जो है वो किसी तरह से फॉरेस्ट एरियाज में कुछ भी वायलेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं. बट नागालैंड में क्या है, वहां के ट्राइबल्स को ट्राइबल कल्चर में रहने की परमिशन दी गई. दे कैन लिव इन द फॉरेस्ट, दे कैन फॉलो देयर ट्रेडिशनली कस्टमरी राइट्स, एंड गवर्नमेंट जो है उनके राइट्स उनसे नहीं ले सकती. कल्चर के बेस के ऊपर ये बनाई गई है स्टेट, ठीक है. इसका राइट आंसर है ए, ठीक है. नेक्स्ट इज, हाँ, सेक्शन. हाँ जी, इसकी आपको बताइए, ये तो पर्सोनिफिकेशन किसकी है, जर्मेनिया. देन इज, अच्छा ये जो क्वेश्चन है, ये कई बच्चे ये भी कर सकते हैं, विजुअली एम्पायर्ड. हाँ, विजुअली एम्पायर्ड कौन होते हैं, एक मिनट, विजुअली एम्पायर्ड इट मींस जो 10th क्लास है ना, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं ना वो भी देखते हैं विजुअली एम्पायर्ड, है ना. तो उनके लिए क्या होता है, साइड में एक उनको एक असिस्टेंट देते हैं, वो उनका सारा पेपर जो है वो बोलते हैं, वो नोट करते हैं. अब ये पिक्चर तो वो देख नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन उनके लिए होता है जो मैप या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो नहीं देख सकते, ठीक है. तो आपने ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना. लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रशियन किंग हु वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर विलियम वन. पूरा नाम क्या था, काइजर विलियम वन. तो यहाँ पे काइजर वर्ड नहीं है लेकिन विलियम वन है इसका राइट आंसर. Which one of the following option correct about Balkans? The Balkan became part of conflict because of Ottoman Empire. Yes, क्योंकि Ottoman Empire के under थे ना, तो ही conflict हुआ था. Second है, the region comprised of ethnic group included, for example, जितनी भी countries हैं, तीन नाम दे दिए. Yes, तीनों countries थी, Greeks भी थे, Serbia भी था और Montenegro भी था. Third जो है, British भी थे. No. तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, वन एंड टू, ए पार्ट विल बी करेक्ट. Why were the weavers in Silesia revolted against contractors in 1845? Identify the appropriate reason for the following options. Contractors did not pay their dues. First ही आएगा, first ही आंसर है, क्योंकि उन्होंने उनको dues का मतलब होता है wages नहीं दिए थे. सेकेंड भी हम कह सकते हैं. देखो सेकंड मैंने ये कह रही हूँ कि आपको पढ़ो और पता होना चाहिए कि क्यों नहीं है. सेकंड क्या है, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट तो कहीं शो भी नहीं गई आपकी, है ना. कॉन्ट्रैक्टर यूज गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी कहीं नहीं लाइन है. देन कॉन्ट्रैक्टर गिव देम लोन्स ऑन हाई इंटरेस्ट, ये भी नहीं थे, ठीक है. तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर ए ही होगा. आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स. In 1688, the monarch of Britain fought war. War तो कहीं है ही नहीं है, ठीक है. Strange case है, हमने पढ़ा. Parliament through a bloodless revolution. Bloodless है, bloodless का मतलब revolution तो हुआ ही नहीं, तो इसका right option है B. C में भी उन्होंने कहा है war हुई थी. D में उन्होंने कहा है result of revolts. तो कहीं भी हमने Britain के case में revolt, war पढ़ा ही नहीं है, तो ये क्या होगा, B option. Consider the following statement on power sharing and select the answer using the codes.
ठीक है, इट इज अ गुड डेमो, गुड फॉर डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग, ठीक है, फर्स्ट होगा, हारमोनी भी है अलग अलग ग्रुप्स में, थर्ड भी है, कंपटीशन नहीं लाता, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ए ऑप्शन होगा, जिसमें इंक्लूड है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पेज नंबर 7। हाउ जुडिशरी एक्ट एज एन अंपायर इन द फेडरल स्ट्रक्चर, हाउ जुडिशरी एक्ट एज एन अंपायर, जैसे क्रिकेट में होता है ना अंपायर, दोनों टीम्स पे चेक रखता है, ऐसे ही फेडरल सिस्टम में जुडिशरी जो है वो क्या करती है, एक तो है रूल्स ओवर सेंटर एंड स्टेट, रूल ओवर तो करती नहीं, क्योंकि वो तो ऑर्गेन, अलग से ही ऑर्गेन है, सेंटर एंड जुडिशरी वर्क कलेक्टिवली, कोर्ट्स कैन चेंज स्ट्रक्चर ऑफ अ, नो नेट नॉट एट ऑल, कोर्ट्स यूज द पावर टू इंटरप्रेट, नो, यस डी है इसका राइट ऑन, कोर्ट्स यूज द पावर टू, ये जुडिशरी की तो डेफिनेशन ही यही है, अगर हम ये कहें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पनिश दोज हु वायलेट लॉज, ठीक है, ओके, ये हो गया assertion reasoning, यानी कि आप सोचो एक आपको आएगा या दो आ सकते हैं हिस्ट्री से assertion reasoning, दो आपको आ सकते हैं ज्योग्राफी से, तो इसमें आई थिंक एक ही दिया आपको हिस्ट्री का, एक ही दिया assertion की, सिविक्स का भी है, ये आपको सिविक्स का है, सिविक्स का है, मतलब दो दो आ सकते हैं ना, एक सिविक्स का आ गया, एक ज्योग्राफी का आ गया, तो मीन्स assertion reasoning के क्वेश्चन आपके हैं, मैथ में आप कई बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है, सैंपल पेपर में बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें है ना, हाँ तीन है, ठीक है कोई बात, फर्स्ट इज श्रीलंका अडॉप्टेड सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड रीजनिंग इज द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब इम्पोज करना चाहती थी देयर कल्चर लैंग्वेज एंड रिलीजन, यस ए होगा इसका, both a and r are true and r is the correct explanation of a, next is list system, isko to achhi tarah se yaad kar lo, kaun si shared list mein kaun kaun se subjects hain, grouping karo iski, tell me the exact group, a option is right, first four, second three, police aati hai state list mein, third one education aati hai concurrent mein and defense aati hai union list mein, theek hai, पेज नंबर 15, ओके, ऐसी के ये होती है एक तरह से जर्नल ऑब्जर्वेशंस, लाइक किसी भी बच्चे का जो भी है वो आपको एक केस स्टडी काइंड ऑफ ऐसा दिखा सकते हैं कि अनीता इज अपीयरिंग इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एक पर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, सपोज वो पंजाब से है, ठीक है, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस एज मेंशन इन द 8th शेड्यूल, अंडरलाइन करो 8th शेड्यूल, इट मीन्स आपको पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री में जो लैंग्वेजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में लिखी गई हैं, 8th शेड्यूल, कैन शी ऑप्ट टू टेक द एग्जाम, यानी कि अगर वो पंजाब से है उसको सिर्फ पंजाबी आती है, लेकिन क्या उसके पास सेंट्रल लेवल के लिए ऑप्शन है, पंजाबी होगी सेंट्रल लेवल पे, यस, ये पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेजेस में पंजाबी है या नहीं, ठीक है, तो टोटल लैंग्वेजेस कितनी है, 22, 21 हो गई रीजनल लैंग्वेजेस, 1 इज हिंदी, तो इसीलिए राइट आंसर क्या है, 22। अब आप खुद सोचो कि एक बार ना आप सारी लैंग्वेजेस की लिस्ट याद करो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नेपाली इज इन द शेड्यूल लिस्ट और नॉट, यस, मैथिली है, डोगरी है, बोडो है, ट्राइबल कल्चर को डिपिक्ट करती है, तो एक बार जब आप लैंग्वेज की ग्रुपिंग अच्छी तरह से याद कर लोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको लैंग्वेज रिलेटेड अगर आएगा तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर, और हमेशा याद रखना शेड्यूल्ड लैंग्वेज मीन्स 21+1, मतलब 1 जो है दैट इज हिंदी, हिंदी हमारी वैसे तो कहते हैं राष्ट्रभाषा है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया कि हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि हमारा आधा इंडिया हिंदी नहीं बोलता, तो इसलिए ये सारी लैंग्वेज की लिस्ट रखी गई है ताकि किसी भी पर्सन को सेंट्रल लेवल पर जब जॉब अप्लाई करना है या कोई भी पेपर देना है उसको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है बच्चे, आपको स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने रेकॉग्नाइज करना है, नंबर 1, पावर को जब शेयर किया जाता है सेंटर और स्टेट में एंड दे दी जाती है लोकल गवर्नमेंट को, तो बहुत इजी है, कौन सा सिस्टम होगा ये, डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, इट इज कॉल्ड थर्ड टायर, तो थर्ड टायर अगर आपको आता है विच इज द थर्ड टायर, डिसेंट्रलाइजेशन में थर्ड टायर कौन सा है, सेंटर है, स्टेट है कि लोकल है, लोकल,
द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद देम. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ जो है कुछ सोर्सेज को शेयर करती है. इसका मतलब क्या है, वी एज अ इंडियन आई हैव टू पे सम टैक्स टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, आई हैव टू पे सम टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सम टैक्सेस टू द सेंटर. इनकम टैक्स मैं पे करती हूँ तो मैं देती हूँ सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को मैं देती हूँ हाँ जीएसटी हो गया, इवन प्रॉपर्टी राइट. प्रॉपर्टी राइट जो सपोज मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, मैंने रजिस्ट्री करवाई, सपोज आपको पता ही होगा कि रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसपे जो भी परसेंट है, सपोज मैंने 50 लाख का कुछ खरीदा है तो उसपे 1% 2% मैंने किसको दिया, गवर्नमेंट को, तो दैट इज स्टेट स्टेट टैक्स हो गया. डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए, जलंधर में रहते हुए कई बार मुझे पार्किंग करनी पड़ती है, कई बार हम किसी एंटरटेनमेंट हम मूवीज में जाते हैं देखने के लिए, एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है. आप कहीं ना कहीं जो है वो स्टेट में भी टैक्स पे करते हो तो दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट टैक्स जो होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. Which of the following options prove that India is a quasi-federal? इसको ध्यान से रखो, quasi word आपके लिए क्या है? Quasi-federal का मतलब है कहने के तो हम कहते हैं कि इंडिया फेडरल है, बट इन हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी कंट्री क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर जब हमने किया था ना बच्चे 9th क्लास में, हम कहते हैं हमारी कंट्री क्या है, यूनिटरी विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या है कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है और स्टेट क्या है, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर गवर्नमेंट. देखा जाए तो ऑल द स्टेट्स हैविंग देयर डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट, लेकिन जब भी किसी पर्टिकुलर लिस्ट का कोई भी इशू आएगा तो रेजिड्यूरी में किसका होल्ड है, सेंटर गवर्नमेंट का, और उसमें कंकरण में भी किसका होल्ड है, सेंटर गवर्नमेंट. क्या स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल 100% फ्री है, नो. और क्या उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, नो. लेकिन यूएसए में कमिंग टूगेदर फेडरेशन है, हमारी कंट्री में क्वासी, क्वासी का मतलब क्या आ सकता है, यस. इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो होगा बी, बी, यस. मोर पावर विद सेंटर, ठीक है. रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स विद सेंटर, यस. इक्वल सब्जेक्ट्स, नो, इक्वल तो है ही नहीं है. एंड करेंसी एंड रेलवे सेंटर के पास है, तो ये बी ऑप्शन आपका ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रूव दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट. क्वासी फेडरल का मतलब पूरी तरह से हमारी कंट्री 100% फेडरेशन नहीं है, सेंटर जो है, स्टेट जो है वो सेंटर के कंट्रोल में है. मींस हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है वो सभी सीएम को क्या करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, कंट्रोल करते हैं. तो फेडरेशन 100% फ्री नहीं, कुछ परसेंट फ्री है. किस लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में फ्री है. सपोज पंजाब ने अपने फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी 100% फ्री कर दी, राजस्थान ने नहीं की, तो इट मीन्स पंजाब इज फ्री टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी इरीगेशन. ये आपका HDI उसका है ना, ओके. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है. शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है. इट इज ईजी टू मेक चेंजेस इन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, नो. द पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज, क्या अकेली पार्लियामेंट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है, नो. तो इसका राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर है ए. ये है आपका 39 क्वेश्चन, ये भी आपका किसका, इकोनॉमिक्स है. मैथ्स का कॉलम्स इकोनॉमिक्स के, टेबल टाइप इकोनॉमिक्स के. क्रूड ऑयल वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी का आपका जर्शन रीजनिंग का है, तो आई थिंक 3 क्वेश्चंस दिए हैं आपको जर्शन रीजनिंग के ना. आगे आ जाओ, ग्रिम ब्रदर्स. ये आप पूरा पैराग्राफ 14 लाइंस की लाइन जो है वो कॉम्प्रीहेंशन है, एंड ये जो है बच्चे आपका पेज नंबर है 15 हिस्ट्री का, ग्रिम ब्रदर्स पेज नंबर 15. दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रेगुलर चैप्टर, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर राइट हैंड इन्फॉर्मेशन जो आपको दी हुई. इसमें से ग्रीम ब्रदर्स मैंने आपको जिस टाइम करवाया था, हमने किया था, ग्रीम ब्रदर्स ने क्या किया था, फॉकटेल्स कलेक्ट की थी, एंड उनको क्रेडिट दिया जाता है कि रोमांटिसिज्म का जो हमने टॉपिक पढ़ा है कि उन्होंने फॉकटेल्स को इंपॉर्टेंस दी ताकि लोग अपने कल्चर को जान सके, स्टोरीज या फेरी टेल्स को कलेक्ट किया.
इसमें राइट आंसर देखो, नंबर वन, व्हाई डिड द ग्रिम ब्रदर्स गिव द टेल्स अ रीडेबल फॉर्म विदाउट चेंजिंग देयर फोकलोरिक कैरेक्टर्स? चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग. ये ऐसे ही है, सपोज आप सिंड्रेला की स्टोरी सुनो, इन्होंने क्या किया, फोकलोर के साथ, करेक्टर्स के साथ कोई भी चेंजेस नहीं किए, उनको एज सच लिया. ठीक है, यानी कि उनके जो नेम्स हैं, जो उनके फॉक टेल्स, मतलब जो उनके पुराने जगह के अकॉर्डिंग जो उनके नेम है, उनको कैरेक्टर्स को चेंज नहीं किया. ठीक है, एंड ये जो है ऑप्शन क्या है, द कलेक्शन एंजॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी, इट बिकेम अ मॉडल फॉर द कलेक्टिंग ऑफ फैंटेसी टेल्स, इट फॉर्म द बेसिस फॉर द साइंस ऑफ द लैंग्वेज, पीपल इजिली एक्सेप्टेड देयर रिटन एडवेंचरस टेल्स. इसका राइट ऑप्शन है ए, द कलेक्शन एंजॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी. रीडेबल फॉर्म का मतलब क्या है, सिंपल है कि सपोज आप ये देखो बच्चे, आप अपने ग्रैंड मदर से कोई स्टोरी सुनते आ रहे हो, ठीक है, वो सिर्फ आपको ऑरली सुना रहे, आपने वो स्टोरी कभी नहीं सुनी, अब आप चाहते हो कि इस स्टोरी को आगे वाली जनरेशन जो है वो रिटन फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, उन स्टोरीज को रिटन फॉर्म में लिख लो, ठीक है, और लिख के इसको आगे जनरेशन को पास ऑन करोगे ताकि उसको रीडेबल बनाया जाए. और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जर्मनी के बाकी लोग भी उसको पढ़ सके, उसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा गया. ठीक है, अच्छा सपोज एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, करवा चौथ की स्टोरी होती है, सबको आती है ना, मोस्टली सबको ही आती होगी, लेकिन उसी दिन पर्टिकुलर क्यों सुनते हैं वो ऑरली, ऑरली का मतलब कल्चर टू कल्चर वो आती है, देखा जाए क्या वो स्टोरी खुद पढ़ के नहीं वो पढ़ सकते, खुद नहीं सुन सकते, एक कल्चर है कि सभी लेडीज इकट्ठी होकर कहाँ जाती, मंदिर में जाते हैं या ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद वो क्या होता है उनका सिस्टम होता है ना, थाली घुमाते हैं, ये कल्चर है, हर एरिया का कल्चर अलग होता है. ठीक है, अब पहले पहले तो ये रिटन फॉर्म में नहीं था, लेकिन आजकल के टाइम पीरियड में जब आपको स्टोरी नहीं ना याद, सपोज कोई भी अगर घर में अकेले हैं तो वो यूट्यूब पे स्टोरी डालेंगे, उनको स्टोरी मिल जाए, किसी ने तो स्टोरी को पहले डाला होगा ना, किसी ने तो प्रिंट किया होगा, किसी ने उसको फॉर्म में डाला होगा. तो ग्रिम ब्रदर का ये काम क्या था कि उसने फॉक स्टोरीज को रीडेबल फॉर्म में दिया ताकि जर्मनी में लोग उसको पढ़ सकें. ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया. नेक्स्ट आ जाओ, इम्पैक्ट ऑफ लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रिम ब्रदर्स वॉज वाइड स्प्रेड, आइडेंटिफाई द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन. अल्टीमेटली उसका मतलब क्या था, एथनिक बिलोंगिंग, कि लोग उस एरिया में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, एथनिक, सी ऑप्शन, प्रमोशन ऑफ एथनिक बिलोंगिंग. वर्क ऑफ ग्रिम ब्रदर इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर्ड पीपल टू कलेक्ट टेल्स, यानी कि ग्रिम ब्रदर को देखकर बाकी लोगों ने भी कलेक्ट किया. इसका राइट आंसर है कल्चर, क्योंकि कल्चर को प्रमोट किया. ठीक है, फॉरेन डोमिनेशन में आपका जो 50th क्वेश्चन है इसका बी है, इरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज एंड एथोस का मतलब होता है एथिक्स. 51 सी ऑप्शन, थ्रू द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. देन 52 ए है इसका, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. पहला जो था, रिजाइम ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, क्योंकि ये क्या था, कंजर्वेटिव था. क्लियर, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट बेटा, एनी डाउट, नो डाउट बेटा. आदित्य, आर्यांश, छायांग, दीक्षा, ज्योस्रूप, केशव, खुशी, प्रभनूर, सिमरलीन, तनुष्का, तरुणदीप, कोई डाउट नहीं है. चलो अब हम हमारी, आई थिंक कल हॉलीडे है, ठीक है, परसों हम करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो चैप्टर रह गया, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. ठीक है, डे आफ्टर टुमारो आई विल डिस्कस इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर विद यू.